कोरोना वायरस से ना घबराएं, सावधानी बरतें। संक्रमित राष्ट्रों से आए हुए यात्रियों में या कोरोना वायरस ग्रसित रोगियों के संपर्क में आने से इस वायरस के फैलने की संभावना रहती है। खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई दें, उनसे दूरी बनाए रखें। खांसते छींकते समय मुंह को ढकें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अनावश्यक यात्रा ना करें। बार बार अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं। लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय चिकित्सालय में संपर्क करें। स्वयं इलाज ना करें। बिहार के नालंदा जिले में फंसे मधुपालन करने वाले पालक महेश जसवाल ने रांची के DDC से गुहार लगाई है कि मुझे नालंदा जिला से उनके घर गुमला चैनपुर पहुंचाया जाए। महेश जसवाल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, क्योंकि इस वक्त मधुमक्खियों के खाने के लिए फलों का रस नहीं मिल रहा है और उनको कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो अपने घर गुमला चैनपुर पहुंच सके। इसलिए उन्होंने झारखंड सरकार से गुहार लगाई है कि कृपया उनको और उनके साथियों को उनके घर झारखंड गुमला चैनपुर पहुंचाया जाए। मैं महेश प्रसाद जसवाल, ग्राम दत्तरा, थाना चैनपुर, जिला गुमला, झारखंड का हूँ। मैं दो महीना पहले यहाँ 120 प्लस दो आदमी हैं आए हुए हैं। यहाँ से अब फूल पत्ती खत्म हो गया, चारों ओर धूप है, अब पेड़ छाया भी नहीं है, मधुमक्खी मरने के कगार में है, मक्खी को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, हम लोग का भी दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग अपना घर झारखंड जाने का कुछ उपाय किया जाए, इसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। यहाँ दो